हमने अजान को 5 वक्त अजान, 4 वक्त अजान, 3 वक्त अजान, जो भी आप सुन पाएं, अजान को हमने छोटे छोटे बच्चों को 2 साल की उम्र से उनको ऐसी कंडीशन कर दिया है कि अजान इज़ एन अलार्म फॉर देम टू स्टॉप वेर एवर दे आर। वो वहाँ रुक जाते हैं, चाहे वो एक्टिविटी कर रहे हों, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हों, चाहे वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हों, वो जहाँ होते हैं वहाँ रुक कर आँखें बंद करते हैं और डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं। अजान जितनी देर अजान चलती है इतनी देर ये, और एक अजान के अंदर 15 से 16 डीप ब्रेथ्स होती हैं। अगर दिन में 3 से 4 से 5 बार आप ये आदत पकड़ लें, एक एक मिनट 1.5 मिनट की अजान है, उस वक्त आप रुक जाएं और आप लंबी सांसें लेना शुरू कर दें, तो आपकी एंग्जाइटी का लेवल जो है ना वो एकदम नीचे आ जाता है। इस प्रैक्टिस को इतना अपना लिया है हमारे बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी, कि जो वाकयात घर से हमारे पास आते हैं वो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट एक चल रही थी, तो एक अजान की आवाज़, इशा की अजान की आवाज़ आई, तो वाइफ ने वहीं पे रुक करना, तो वो हस्बैंड जो है उसको देख रहा है कि भाई ये क्या हो गया इसको, एकदम रुक गई और आंखें बंद करके सांस लेनी शुरू हो गई। तो वो जब उसने आँख खोला तो वो हंसने लग गया, तो जो बात थी वो बात पता नहीं कहाँ चली गई। इसी तरह 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक बड़ा बच्चा हमारी स्कूल आता है और एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा अभी तक स्कूल नहीं जाता, वो एक ही गाड़ी के ऊपर खिलौने पर लड़ रहे थे। अजान हुई तो अजान जैसी होती है ना, देर कंडीशन, इट्स लाइक एन अलार्म, अलार्म बजा वो रुक जाते हैं वहीं। तो वो बड़ा वाला बच्चा रुक गया, उसने आंखें बंद करके सांस लेनी शुरू कर दी गहरी गहरी, छोटा वाला खिलौना लेके भाग गया। माँ ने देखा कि मेरा बड़ा वाला बच्चा, तो वो भी उसके करीब गई, उसको पीछे से हक किया, अपने बाजू में लिया और उसने भी सांस लेनी शुरू कर दी। बाय द टाइम वो अजान ख़त्म हुई, बच्चा टर्न अराउंड हुआ, माँ ने उसको गले से लगाया, ही डिडंट इवन रिमेंबर क्या हुआ था।